कहाँ जा रही है ये सब बताएगा? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा कैमरा है, तो बहुत पहली बार हमने देखा अपने जीवन। सोच रही हूँ सबसे बोलते चलो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, शतरा व्लॉग। खलीलाबाद चली गई थी उसी जब खरीदना होगा तो एक भी अच्छा नहीं लगाएंगे सर, जब नहीं खरीदना होगा तो सारे अच्छे कपड़े टांग देते हैं सर। मैं और मम्मी अभी भी इसी चीज में अटके हुए हैं कि उन्होंने ज्यादा पैसे लिए थे या कम। सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं रेहती चौक, क्योंकि मम्मी को उनका सूट वापस करना है, जो कि उन्होंने उस टाइम कह दिया था कि बहुत अच्छा 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 है, लेकिन अब इनको पसंद नहीं आ रहा, तो हम लोग रेती जा रहे हैं 4 बजे। चक्ती लगा उसमें तो कहाँ से पसंद आएगा? जो पूरा मम्मी चक्ती वक्ती कुछ नहीं लगी थी, तुम्हें ऐसे पसंद नहीं आता? मेरे पीरियड्स के पहले दिन है और मुझे मम्मी रेती लेके जा रही हैं, एकदम इनको तरस नहीं आती है मेरे ऊपर। दूसरों की माँ होती है उनको तरस आता है कि बच्चे का पहला दिन है पीरियड्स का, थोड़ा गंभीरता दिखा लें, और मेरी मम्मी लेके जा रही हैं मुझे। ऑटो तो दिख भी नहीं रही है, मुझे कहीं पैदल ना जाना पड़े यहाँ से रानी डिया तक। अगर किसी को दिख रहा तो वो देखो ब्राउनी पागल। मेरे कैमरा में 100 प्रॉब्लम है, चलो तो हिलता है, घर घर करता है, लो स्पीड एसडी ग्रेड हो जा रहा है, फिर भी मैं ब्लॉक कर रही हूँ, इतना डेडिकेटेड हूँ मैं। बोल बोल रब्बा किस्मत के दरवाजे। मुश्किल से 50 रुपए का पेट्रोल लगा होता, जाके वापस आ गए होते, लेकिन इस औरत को 1000 रुपए खर्च के, मेरा मतलब 100 रुपए खर्च के, मम्मी कोई बात नहीं मेरे पीरियड्स आए तो मैं चला लेती। तुम दुनिया को सच्चाई बताओ कि तुम बैठना नहीं चाहती हो, उसमें सारे लोग जान भी रहे होंगे कि तुम बैठना नहीं चाहती हो। ऑटो ऑटो आ रही है, चलो जल्दी से हम लोग को ऑटो मिल जाए, हम लोग बैठ जाए यार। मम्मी ऑटो तो पकड़ने आती ही होगी तुमको, घर जाओ घर जाओ। रोनी हम लोग कहीं जा रहे हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं, जाओ घर जाओ जाओ घर जाओ जाओ। अरे यार ये भी साथ साथ आ गए, चलो जाओ आ चलो जाओ घर जाओ घर जाओ 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 घर जाओ जाओ जाओ। घूम के वापस क्या गई? घर जाओ घर जाओ घर जाओ, ब्रॉनी काट लेगा, ब्रॉनी घर जाओ। ये सब तो दोस्त हैं इसके। तो तुमको क्या दिख रही है? वो ऑटो नहीं है तो रुक जाओ अंकल, पूरी कॉलोनी चिल्ला रही है उनके लिए, ब्रॉनी मैं मार दूंगी तुझे। वो देखो हमारे लिए ऑर्डर रिवर्स में आ रही है, ब्रॉनी मार दूंगी झापड़ से। यार हम तो पता नहीं कहाँ लेके चला गया, चलो आप लड़का बोला उसको हम देखते हैं। नहीं नहीं हम लोग को जाना था, जा ब्रॉनी घर जाओ। ये कहाँ जाओ? हे प्रभु बैठना मत, बाय बाय बिरोनी। जा रही है ना? अरे यार वो तो पीछे आ रही है। ब्रॉनी घर जा वापस। तो बहुत चीखने चिल्ला के बाद एक ऑटो मिल गया हमें। तो ऐसे बैठे गए ऑटो तो कोई पूछेगा? फिर अंकल भी हम लोग के सामने से चले गए ऑटो लेकर, दुख दर्द पीड़ा सब एक साथ होता। कह रही है यहाँ से रानी डियाँ पैदल चले जाती, इसमें बैठने की जरूरत है इतनी दूर के लिए, टांग जो टूटती उसका क्या, उनको तो कुछ नहीं, मुझे तो पीरियड्स आए, वो भी पहला दिन है मेरा। तो पकड़ने ऑटो वाले से कहना है कि रेती जाना ले जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, पूछो कितना उतर। मेरी मम्मी अकेले बैठने चली गई ऑटो में, क्या हुआ? धन्यवाद। क्या हो गया? हाँ। अंकल रेती जाना था। हाँ? रेती रिजर्व जाएंगे। हाँ? रिजर्व में चलेंगे। नहीं रिजर्व नहीं चलेंगे। वो आगे जा रही है टेम्पो। ये खोलिए क्या? 50। क्या कह रही हो? 45 कितना थी? रिजर्व का कितना अंकल? हाँ? रिजर्व में कितने में जाते हैं? रिजर्व में 250। अच्छा ये प्रभु महंगे इतने तो, मतलब ओला बुक करा के चली जाती हूँ। खलीलाबाद चली गई थी उसी बताओ। और ये लोग आते वक्त सिटी बस से आएंगे, सिटी बस मुझे दिख नहीं रही है। जब तक ये भरेंगे तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे क्या? कह रही थी स्कूटी आगे चल रहा है, कब तक चलेंगे अंकल? लेट हो रहा है,
मम्मी को भाई मैं नहीं चला पाऊंगी, हमारी ऑटो चल पड़ी। मैं कितने दिनों बाद ऑटो आर्मी स्कूल में बैठी हूँ, अभी गाड़ी टो गई थी तभी तो बैठे थे। सुधांशु में बैठ के गए थे, फिर मैं और खुशी बैठ के गए थे। अप्रैल में जब हम लोग गए थे मूवी देखने के लिए भूल भुलैया, तब गाड़ी टो गई थी हम लोगों की, तब भी बैठ के गए। और सुधांशु के साथ भी, सुधांशु के साथ गई थी, हाँ बीमार थी तब। दोनों का ब्लॉग है, गोरखपुर में 1 घंटे तो ऑटो में ही बैठे बैठे हो गए। मैं मम्मी से कही थी जल्दी तैयार हो, लेकिन ये 5 बजे मम्मी यहाँ रुकेंगे तो पीछे जैकेट लेंगे यार, बहुत अच्छी लग रही है सड़क वाली जैकेट। बैठी नहीं लग रही ऑटो वाले भैया भी समझ गया। सुधांशु जैसी हो गया पिछली बार, हाँ 500 का छुट्टा होगा भैया, मतलब 10 रुपये नहीं है वो तो खड़े होते हैं यहाँ पे हम लोग। अंकल छुट्टा होगा 500 का, जाती हूँ कैसे क्यों ना करा, अंकल ने खाली 10 रुपये लिए, पागल पहले वापस आएगा। अभी मैं तुम्हें कैलकुलेट करके बताती हूँ कैसे उन्होंने कम पैसे लिए, वहाँ चलो वहाँ खड़ी रहो। अभी तुम लोग रहते भी नहीं पहुँचे, तब से यही टहल रहा है हम लोग। कैमरा कहाँ जा रही है ये सब बताएगा? हाँ अच्छा, बहुत अच्छा कैमरा है, तो बहुत पहली बार हमने देखा अपने जीवन। इसलिए व्लॉग नहीं बनाती हूँ मैं बाहर, रुक जाओ। अभी वो अंकल पूरे मुझे लग रहा है दुकान पे कैमरा दिखाएंगे। अच्छा ये कैमरा अंकल ब्लॉगिंग कितना अच्छा लग रहा है, आप भी दिखाई दे रहे ना, देखो भी देख सकते हैं जैसे। हाँ ऑनलाइन लिया था अमेजोन से, अमेजोन से ऑनलाइन लिया था। देखो 21,000 ऊपर से लोग ऐसे पकड़ पकड़ के पूछते हैं क्या ये कचहरी। अरे यहाँ कहाँ कचहरी जाओ, कचहरी किस लिए जाओगे, कचहरी खड़ी हो। चलो मुझे रहने दो, तुम मत बोलो यार, तुम अलग बेइज्जती करा रही हो। मम्मी वहाँ चलना है, वहाँ ऑटो आती है। अंकल रेती जाना था, जाएंगे रेती। तुम्हें को चलना था ना रिक्शा से, रिक्शा से अब इससे ज्यादा बुरा क्या सब ठीक सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। अंकल लोग कितनी मेहनत करते हैं यार, इतना दो भारी लोग बैठा के ले जा रहे हैं, मेहनत है। साइकिल चलाने मेहनत नहीं लगती है, मैं और मम्मी अभी भी इसी चीज में अटके हुए हैं कि उन्होंने ज्यादा पैसे लिए थे या कम। एक तो पहली बार जिंदगी में ऑटो में गए हैं, मुझे लगता है आधे गोरखपुर को पता चल गया। इतना ऊंचा ऊंचा तो मुझे महसूस हो रहा है, तब से हम लोग आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए। सोच रही हूँ सबसे बोलते चलो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, शतर है व्लॉग यूट्यूब पे, शतर है व्लॉग यूट्यूब पे। देती अभी दूर है मम्मी, ऑटो से होते तो सब समझ पाएंगे, अभी थोड़ा दूर और है, थोड़ा क्या अभी तो बहुत दूर है। इस हिसाब से ये लोग चलाते हैं, इनको तो 50 रुपये लेने चाहिए, बता रही हूँ इनको अपना वेजेस बढ़ा देना चाहिए। ज़्यादा मेहनत ये लोग करते हैं ऑटो वालों से, इनके पेट्रोल का पैसा लगता है। हम लोग यार रिक्शा वाले सब बैठा करो ठीक है ना, जैसे हम लोग बैठे हैं आधे दूर आ गए हम लोग। फाइनली हम लोग पहुंच गए रेती, अब बस दुकान ढूंढने की देरी है। बोले दुकान का नाम ही नहीं लिखा ना, बिल दिया है क्या वापस होगा। बोला चार डॉक्टर है, 5:30 बजे हम लोग रेती पहुंचे हैं। नहीं नहीं आगे रुक जाओ, अभी अंकल रोक देंगे।
अरे हर चोट दादा ये लुका मैं तो पेट ठुकाए देखो रेती के अंदर रिक्शा सबसे ऊंचा रुकते है आनंद श्री एक सेकंड अंकल ये रोक दीजिए आनंद श्री बोल रोक दीजिए लोकेशन है हम लोग मेन रेती में जैसे ही अंदर जाते हैं वहीं पे हम लोग अभी आप करिएगा हाँ वही आगे दुकान अंदर है हाँ घंटा घर ले चलिए अंकल घंटा घर हाँ घंटा घर में घंटा घर चलो हाँ ठीक है घंटा घर हाँ ठीक है अभी और थोड़े दूर तो हम तो बैंड ही बज जाएगी बैठे बैठे ही अभी तो कमर की बैंड बज गई है देखो ये देखो हम लोग मुड़ गए पुलिस वाले ने रोक लिया और कोई प्रस्टेट है यहाँ पे घंटे भर से हम लोग बिटो बैठते हैं जब खरीदना होगा तो एक भी अच्छा नहीं लगाएंगे सर जब नहीं खरीदना होगा तो सारे अच्छे कपड़े टांग देते हैं सर सांस लेती भुला भी गई हूँ और वो भी नहीं दिख रहा है मुझे पहुँच तो गए वही कहीं आगे दुकान है कितना हुआ डबल कर लीजिए 40 पकड़ 40 तो पहुंच गए हम लोग अगर दूसरे ऑटो से आते तो 20 रुपए लिया तो तुम्हारे 80 रुपए लिया है मम्मी मम्मी आ जाओ तुम ऊपर आ जाओ जो लेने आई वो ले लो अभी लोग कपड़े देखने आए बहुत ज्यादा बोर है मैं नहीं नहीं ये एक मिनट हुई है जो वो दिखा रहा है डिफेक्ट है समझ आएगा मैं देख नहीं कली सब में रहती है बगैर कली के ये राउंड अप नहीं आए कभी भी राउंड जब करेगा तो रहेगा चलिए कोई नहीं मेरा पेट बदल रहा है अच्छा लग रहा है लेकिन इसका लेके गई हो ना एक जितिया हम जो दिखाते हैं ना ये भी सोचे किसको दिखाना है किसको पहनना है पहन साइज के हिसाब से दिखाएंगे पहन सकती हो थर्सडे को पहन सकती हो जब व्रत रखती हो तो अंकल ये है व्लॉगिंग कैमरा ये यूट्यूब पे वीडियो पड़ती है इससे आपको शीशे में देखिए इधर आप फिटिंग आप करिए आप कीजिए फिटिंग कवर कैमरा ये मेरा चैनल है यूट्यूब पे अच्छा, उसमें व्लॉग्स के लिए बनाते हैं मैं वीडियोस डालने के लिए हमने कहा कुछ नहीं जरूर कोई काम होगा मोबाइल से नहीं हो रहा है इसकी क्या जरूरत कह रहा है दो लोग हैं बक्शीपुर नहीं ले जाएंगे चोर गैंग का मत लेके जाएं नहीं पूछूंगी बुरा लगेगा सस्ता होगा तो बुरा लगेगा मैं उसके लहंगा लेने के लिए आई थी मुझे नहीं मिला था अब मैं नहीं पूछ सकती हूँ मेरे को हर्ट होगा अब आओ चलो चला जाए बिरयानी खाया जाए फिर चला जाए घर की तरफ अच्छा हम लोग जल्दी आ गए ना अच्छा उस वाले से तो ज्यादा ही सुंदर लग रहा है देखो तुम थर्से को भी पहन सकती हो किसी का हल्दी पड़ गया उसमें पहन सकती हो ठीक है ना तुम्हें हर जगह काम आ सकता है वो हल्दी में अच्छा है हाँ हल्दी पहनने के लिए अच्छा पैदल ही चले जाएंगे क्या हम लोग बक्शीपुर हे प्रभु इतना लेट चलो फाइनली एक बार और हमें रिक्शा मिल गई और हम लोग जा रहे हैं बक्शीपुर बिरयानी खाने क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है मुझे भूख लगी एक बार फिर से हम लोग जा रहे हैं रिक्शा में बैठ के एक कलर भी अच्छा लग रहा हाँ अच्छा है पहुंच गए और चाय बंद है यार बाल में हाँ ये खुद नहीं बैठती मेरी स्कूटी पे 300 रुपये ऑटो का किराया देने में लग गए अभी पता नहीं और कितने लगेंगे घर जाते जाते उतने में मैंने क्या क्या नहीं खा लिया होता और क्या क्या नहीं कर लिया होता उतने में मैंने जितने में तुम खाली मेरे यहाँ इतना खर्चा करवाई ऑटो के खर्चे का नहीं मैं नहीं चला पाऊँ स्कूटी में मैं मुश्किल से 50 रुपये का पेट्रोल भरवाती हूँ और अब तक हम लोग घर होते पेट्रोल भी नहीं भरा मैं चाय और समोसा खाऊंगा हो सकता है इडली सांभर भी खाऊँ इडली डोसा खाऊंगी मैं
दिमाग खराब मेरा, फालतू का दिमाग खराब। इतना ज्यादा किराया हो गया, इतना ज्यादा किराया हो गया। इंसान 300 रुपये पहले जेब में रखे तब कहीं आ जाए, 300 रुपये पहले जेब में रखे तब कहीं आ जाए। इतना महंगा हो गया, महंगाई इतनी ज्यादा है। रवि बसे खाएंगे फिर घर जाएंगे, और अब हम सिटी बस से घर जाएंगे क्योंकि घर जाने के लिए हमारे पास किराया भाड़ा कुछ नहीं बचा। हम गरीब हो गए, हमारे 500 रुपये किराए में चले गए। अब बहुत ज़्यादा ठंडी है यार, बहुत और बहुत ज़्यादा ठंड है। ऑटो नहीं मिल रही, कहीं कहाँ बैठ गए। पैदली पहुँच जाएंगे लग रहा हम लोग सिटी मॉल तक, ऐसे चलते चलते। यार तो सिटी बस है तो, लेकिन वो एयरपोर्ट से महेश्वरा चौराहे तब जो रानीडिया वाला है वो जल्दी नहीं आता है। एयरपोर्ट से महेश्वरा चौराहा पता नहीं है अभी का, मुझे तो ये नहीं पता। तब से हम लोगों ने पता नहीं कितनी ऑटो बदल दी। 300 रुपये से ऑटो के लग गए, उससे कम कम 50 रुपये का पेट्रोल भरवा दी बैठो यार, और मात्र 300 में हम घर पहुंच जाते हैं। ये अंकल इतना क्या रूड हो रहे हैं। कितना भैया? चलो यार हम लोग अभी अपने रानीडिया चौराहे पे हैं, और यहाँ पे हमें एक भी ऑटो दिख नहीं रही है, तो लग रहा है पैदल ही चौराहे तक जाना पड़ेगा, और उसमें मेरी बैंड बज जाएगी। आज मैं रोने गाने के लिए आई हूँ चौराहे पे, हालत एकदम त्रस्त हो गई है मेरी। मम्मी अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं चला जाएगा। एक भी ऑटो क्यों नहीं दिख रही यार, चलते हुए हम लोग आए थे तो इतनी सारी रिक्शा दिख रही थी, रानीडिया ही थे वो, तुमको लेके चले गए होते। अरे हम नहीं तुमको ले गए, कह रही है हमको नहीं तुमको लेके जाए। यार मेरे को फॉर्म भी भरवाना है, मेरे पीरियड्स भी आ रखे हैं, मेरे तो सारे सर दर्द आज ही हैं। अब ये तुम डाल लो उसमें, तो नहीं फटेगा जो दूध धुंधा ऊपर रखो, इसको नीचे रखो। अभी पहुंची हम लोग गगन भैया, क्या यहाँ से फॉर्म भराएंगे फिर घर जाएंगे, वापस पैदल जाएंगे। आओ आओ, बहुत टाइम लगेगा। चांद में पहाड़ लग रहा है, आ जा। सर फॉर्म भरा लिया और अब हम लोग जा रहे हैं घर, पता नहीं किस जन्म में पहुंचेंगे। आओ चलो चलो, आ चलो। बाहर आते आते सब पहचान गए। खोला ना तुम। हाय हाय राइफल, चलो सब लोग टूट पड़ो। एकदम मार पीट हो जाती है इन लोगों में। अभी आ गए हैं फाइनली घर, और अब व्लॉग एडिट करूंगी, और कल फॉर्म सबमिट करने जाना है, वहां पे भी एक व्लॉग बनाऊंगी। और व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। व्यूज थोड़े मेरे कम हो गए हैं, और मतलब मुझे लगता है मतलब लोगों ने देखना भी उतना, मतलब लाइक मैंने बीच में कम कर दिया तो शायद मेरे सब्सक्राइबर्स ने देखना भी बंद कर दिया। बट ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा से आएंगे। गिरे हैं, घायल हैं, चोट लगी है, लेकिन दोबारा उठेंगे और धूम मचा देंगे। तो व्लॉग अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देना।